नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार। आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी, जनता की आवाज। बिहार के गया जिला बेलागंज प्रखंड के रौना पंचायत के बेलदार विधा ग्राम में बिरलौरिक दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वराज पार्टी के युवा नेता कौलेश कुमार ज्वाला के भव्य स्वागत किया गया। दंगल प्रतियोगिता के दौरान युवा नेता कौलेश कुमार ज्वाला के द्वारा कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। पहलवानों को बताया गया कि दूध पीजिए और शरीर को मजबूत बनाइए। इसी दंगल प्रतियोगिता में व्यवस्थापक राजकुमार यादव, अध्यक्ष राजनाथ यादव, उपाध्यक्ष साधु यादव, सचिव महेश यादव मौजूद रहे। बुजुर्गों ने लौड़ी कथा गाकर भी सुनाया, ढोल ताशा की आवाज भी गूंजा। इसी बीच आरजेडी के युवा नेता विश्वनाथ यादव का आगमन हुआ तो लोगों ने फूलमाला से उनका स्वागत किया। और यहाँ दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यहाँ हमारे अतिथि के रूप में विश्वनाथ यादव जी आए हुए हैं और इसी दंगल प्रतियोगिता को आगे की ओर करेंगे। देखिए इनका इसके बारे में क्या बोलते हैं। और यहाँ पर करीब हमारी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं जो कि इस वर्ष भी योगदान के शुभ उपलक्ष्य पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा हर वर्ष दंगल प्रतियोगिता कराया जाता है। आज वापस उसकी पुनरावृत्ति है। इस बीच में लोकल जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं वो कुश्ती के माध्यम से, दंगल के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हैं और तमाम ग्रामीण निवासी इस कला का आनंद लेते हैं। मैं तमाम कलाकारों को, तमाम आज के साथ में उनके सहयोगियों को एवं तमाम जनता को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे बेलागंज की धरती से पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर जुट जाए, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। सर नमस्कार। तो हमारे मुख्य अतिथि आप बोले, अपने मुख्य अतिथि बोले हैं, आपके सामने हैं और यहाँ पर संचालक भी हैं, कुछ जनता में है। देख रहे हैं जनता का आप कितना हमारे पास है। राजकुमार जी, इस प्रतियोगिता में कहते हैं कि हम इस बेलागंज धरती से एक जागरूक करता हूँ कि जो युवा सब दारू पीता है, जो कम से कम दूध पीते हैं अंग में, और दूध पीने वाला का हमेशा सोच रहता है कि हम अच्छा काम करें, और अच्छा काम करें तो उसका संस्कार होगा, मन नहीं बिगड़ेगा, दूध नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ उसका शांति मिलेगा। डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, होस्टल बनेगा, चौकीदार भी बनेगा, उसका ज्ञान भी बनेगा। इसलिए इस बीच एक
शिक्षा